उत्तर प्रदेश के औरैया जनपद से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां सोशल मीडिया फेसबुक से प्यार चढ़ा परवान। परिजनों ने दोनों की खुशी की खातिर जाति बंधन को दरकिनार कर शादी करवा दी थी, लेकिन लड़की को क्या पता था शादी के बाद उसका पति ही उसकी मौत का कारण बनेगा। पुलिस ने घटना के खुलासे के लिए लड़की के ससुराल वालों को हिरासत में ले लिया है और पति की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। वहीं पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पूरा मामला औरैया जनपद के दिव्यापुर थाना क्षेत्र के ग्राम असेनी का है, जहां एक महिला का शव बाग में पत्तों के झाड़ के नीचे देख गांव में सनसनी फैल गई। ग्रामीणों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी है। सूचना पर पहुंची 112 पुलिस व फॉरेंसिक टीम ने घटना स्थल का साक्ष्य जुटाने में लग गई है। वहीं महिला की पहचान कराई गई। महिला की पहचान पल्लवी गोमती नगर चारबाग लखनऊ निवासी के रूप में हुई है। जानकारी के अनुसार महिला की शादी कुछ महीने पहले सुमित कुमार निवासी बर्रू फपूत थाना सहायल के साथ हुई थी। दोनों की दोस्ती फेसबुक में हुई थी और बाद में परिजनों को जानकारी होते पर दोनों की शादी कुछ महीने पहले ही करा दी गई थी। वहीं दोनों लखनऊ के लिए निकले थे, लेकिन आज पल्लवी का शव बाग में पत्तों के नीचे मिलने से हड़कंप मच गया है। पुलिस अधीक्षक द्वारा आरोपी पति की गिरफ्तारी के लिए 4 टीमों का गठन किया गया है और आरोपी पुलिस के घर वालों को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। पुलिस अधीक्षक चारू निगम ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना के अनावरण के लिए 4 टीमों का गठन किया गया है, जिसमें SOG सर्विलांस और थाने की 2 टीम लगाई गई है। पूरे घटनाक्रम की गहनता से जांच की जा रही है। सर्विलांस के द्वारा कौन कहां गया, कब घटना घटी, जो अब जानकारी हुई है, प्रथम दृष्टया मौत गला दबाने से हुई है। सुमित की गिरफ्तारी के लिए सभी टीमों को निर्देशित किया गया है। पल्लवी के परिवार को सूचना दे दी गई है। वह लखनऊ से जैसे ही आते हैं तहरीर के आधार पर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। करने का प्रयास किया गया तो शव की शनाख्त कर ली गई है, जो कि पल्लवी पुत्री श्री रामशंकर निवासी मोतीनगर चारबाग लखनऊ की रहने वाली है। इसकी शादी कुछ महीने पहले सुमित कुमार सन ऑफ नरेंद्र कुमार निवासी बर्रू फफूंद थाना सहायल जनपद औरैया से हुई थी। ये दोनों आपस में फेसबुक के माध्यम से इनकी दोस्ती हुई थी। परिवार को जानकारी होने पर इनकी शादी कर दी गई। शादी के उपरांत इन लोगों में आपस में वाद विवाद होता रहता था। पल्लवी ब्राह्मण है और ब्राह्मण थी और सुमित कुमार कास्ट से तेली राठौर है। 5 जून को बताया गया है अभी जो प्रथम चरण की पूछताछ में कि ये दोनों लोग लखनऊ के लिए निकले थे घर से। आज सुबह सुमित का BSc का पेपर था, वो पेपर देने नहीं पहुंचा और लगभग 4:30 बजे जब ये सूचना प्राप्त हुई तो ये पूरी जानकारी हुई। अब तक की पूछताछ में सुमित के परिवार को हिरासत में लेके जानकारी की जा रही है। घटना के अनावरण के लिए 4 टीम गठित की गई है मेरे द्वारा, जिसमें SOG सर्विलांस और थाने की 2 टीम लगाई गई हैं। पूरे घटनाक्रम के लिए सभी पहलुओं की गहनता से जांच की जा रही है। सभी नंबरों के सर्विलांस से जानकारी की जा रही है कौन कहां कैसे गया, कब घटना घटी। अब तक जो जानकारी हुई है उसमें आपस में दोनों में वाद विवाद हुआ, जिसमें एक दूसरे को मारपीट हुई और इसने इसका गला दबा दिया। प्रथम दृष्टया मृत्यु गला दबाने से हुई है। मुख्य अभियुक्त सुमित के अरेस्टिंग के लिए सभी टीम्स को निर्देशित किया गया है। पल्लवी के परिवार को सूचना हो गई है, वो लखनऊ से जैसे ही आते हैं तहरीर के आधार पे समीचीन धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्रवाई की जाएगी। अभी वर्तमान में शव को पोस्टमार्टम हाउस भेजा गया है। औरैया से जनमत न्यूज के लिए अरुण कुमार की रिपोर्ट।